हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी मोटर्स पर। और आज आपके सामने आ गई है मारुति सुजुकी इग्निस का ये सिग्मा बेसेंट वेरिएंट होने वाला है। इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा, जो कि ऑफर लगा हुआ है इस गाड़ी पर, जो कि 32,500 रुपये की जो एसेसरी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो 5,84,000 रुपये एक्स शोरूम, वहीं अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो 6,90,000 रुपये की आपको मिलती है ये गाड़ी। तो आप इसमें एसेसरी अगर जोड़ते हैं तो ये 7,00,000-7,50,000 रुपए के लगभग पहुंच जाती है। लेकिन ये ऑफ़र चला हुआ है डीडी मोटर्स में, जीएमएस रोड पे जो शोरूम है, तो वहाँ पर ऑफ़र है कि 32,500 रुपए की एसेसरी इस गाड़ी में जो लगी हुई है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। तो भाइयों, जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें, बुकिंग करें, ताकि ऑफ़र निकल ना जाए आपके हाथ से। जिसका भी इग्निस लेने का मन है तो वो एक बार जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी ले सकते हो कि क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है ऑफ़र में। और उसके साथ साथ मैं इसके अंदर वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऑफ़र में दी जा रही हैं, आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, सिंपल सा, जैसे आपको पहले देखने को मिलता था। कोई भी ऐसा नई चीज़ें नहीं है, सिर्फ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑफर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हेडलैम्प की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके हैलोजन रिफ्लेक्टेड बेस यूनिट देखने को मिल जाती है, पायलट लैम्प देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर यूनिट देखने को मिल जाती है। नीचे जो एसेसरी का पार्ट होने वाला है वो है हमारा पहला फॉग लैम्प। सिग्मा बेस वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें एसेसरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ स्किड प्लेट कुछ इस तरीके का बम्पर होने वाला है, बॉडी कलर्ड। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये कुछ सिल्वर ग्लॉसी फिनिश का काम आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले अगर इसके करते हैं विड्थ की बात तो 1690 mm आपको इसकी विड्थ देखने को मिल जाएगी। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल ये तो होगी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। और उसके साथ साथ चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलने वाली है कुछ इस तरह की। लेंथ की अगर बात करते हैं तो लेंथ आपको देखने को मिलती है 3700 mm, वहीं अगर व्हील बेस की बात करते हैं तो 2435 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। ORVM की बात करते हैं तो ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ना ही फोल्डेबल है, मैनुअली आपको करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको फेंडर पे मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। टायर्स की बात करते हैं तो होने वाले हैं, कहाँ गया भाई, ब्रिजस्टोन की तरफ से आपको टायर देखने को मिलेंगे। सेक्शन मिलता है आपको 175/65 R15, मतलब 15 इंच का आपको स्टील रिम देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल लोगे तो नॉर्मल में आपको ये व्हील कैप नहीं देखने को मिलेंगे, ये व्हील कैप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं बिल्कुल भाई, एसेसरी का पार्ट है, इसमें व्हील कैप आपको देखने को नहीं मिलते हैं सिग्मा वेरिएंट में। डोर हैंडल्स की अगर बात करते हैं तो बॉडी ग्लाइड आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है साइड में क्रोम गार्निश, जो कि ये भी हमारा एसेसरी का पार्ट होने वाला है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पे। तो रियर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहले देखिए ऊपर आपको कोई भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ना डिफॉगर ना वाइपर। यहाँ पर सबसे पहले आपको पावर एंटीना देखने को मिल जाएगा, हाइमो स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रांडिंग है, इग्निस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं देखने को मिलती है, किसी भी वेरिएंट में आपको वेरिएंट की बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। रिफ्लेक्टर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके रिफ्लेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। रिवर्स पार्किंग पॉइंट की बात करें तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और एसेसरी में देखो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बात है भाई। उसके साथ साथ टेल लैम्प की अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, पूरा ही डमी है। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग लैम्प देखने को मिल जाता है, ये हमारा स्टॉप लैम्प और ब्रेक पेडल प्रेस करने पर जो हमारा जलेगा वही लैम्प होने वाला है। हैलोजन, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, वो भी हैलोजन होने वाला है। और बीच में मिल जाता है आपको सुजुकी का लोगो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। उसके साथ साथ ओवरऑल ये तो होगी यहाँ की बात, चलते हैं इधर की तरफ। तो इधर आपको देखने को मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप, टैंक कैपेसिटी होने वाली है 32 लीटर की। तो ओवरऑल ये तो होगी इसके एक्सटीरियर के बारे में बात। तो एक्सटीरियर में अगर मैं बताऊं आपको क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं, सबसे पहले फॉग लैम्प, फिर साइड में अगर जाते हैं तो आपको व्हील कवर देखने को मिल जाते हैं, साइड में आपको ये क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाती है, और रियर की बात करते हैं तो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ये तो हो गया एक्सटीरियर में, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको इसकी कीज दिखाना चाहूंगा, तो कुछ इस तरह की कीज होने वाली हैं, दोनों ही सिंपल कीज देखने को मिलती है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं भाई। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, क्या बात है भाई, देखो ये होगी लॉक अनलॉक, क्या बात है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्रल लॉकिंग। उसके साथ साथ रखते हैं गाड़ी को, कीज को यहाँ पर, फिर करते हैं डोर ट्रिम के बारे में बात। तो डोर ट्रिम आपको ब्लैक देखने को मिल जाती है पूरी ही। वहीं अगर पावर विंडो की बात करते हैं तो फ्रंट के दो ही विंडो आपको पावर विंडो देखने को मिलते हैं, विंडो लॉकर, डोर लॉकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है डोर लीवर, कुछ इस तरह का ग्रैप हैंडल होने वाला है, जो कि ये बहुत ही गजब की चीज लगती है, मुझे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ये भाई
और किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। बॉडी कलर आपको देखने मिलता है, जिस कलर की गाड़ी होगी उसी कलर का आपको डोर हैंडल देखने मिल जाता है। मैप पॉकेट बॉटल होल्डर स्पीकर ग्रिल 1 2 3 4 4 स्पीकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई क्या बात है, इतनी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो और क्या चाहिए यार। भाई इतना अच्छा ऑफर है, बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई जल्दी आओ और जल्दी पाओ वाला काम करो, जल्दी से बुकिंग कराओ। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो भाइयों अगर इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले देखो स्टेयरिंग पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ यहाँ की बात करते हैं तो एक बार करते हैं इसका इग्निशन ऑन। तो देखो भाई ये कुछ इस तरीके का इग्निशन देखने को मिल जाता है, ये देख रहे हो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर स्टेयरिंग की बात करते हैं, इसको करो बंद, क्या यार ये हो गया। उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का स्टेयरिंग होने वाला है, ये आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है। बीच में सुजुकी का लोगो, एयरबैग दो एयरबैग तो आपको देखने को मिल नहीं वाले। अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट एंड ये हो गई, बस टिल्ट आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्टॉक देखने को मिल जाता है, हेडलैम्प का यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है, वाइपर का स्टॉक दोनों ही मैनुअल होने वाले हैं। क्लस्टर की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का क्लस्टर देखने को मिल जाता है, सिर्फ आपको इसमें देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, टैकोमीटर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एक छोटी सी डिस्प्ले है जिसमें आप ट्रिप वगैरह फ्यूल वगैरह चेक कर सकते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं ट्रिप वगैरह को। और यहाँ से क्या होगा भाई, ये ट्रिप वगैरह ए बी ट्रिप वगैरह सारे ही इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं इसी के अंदर। तो ये तो होगी क्लस्टर की बात, आ जाते हैं इधर। तो इधर आपको देखने को मिल जाते हैं सराउंडिंग में एसी विंड्स, कार्बन फाइबर का काम देखने को मिल जाएगा। नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है ये फॉग लैंप का स्विच, ये अलार्म देखने को मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिल जाता है। नीचे की बात करते हैं तो एबीसी पैडल देखने को मिल जाता है, डेड पैडल होने वाला है, क्या बात है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ करते हैं इसको बंद, आ जाते हैं इधर। तो इधर कुछ इस तरह के एसी विंड्स होने वाले हैं, बिल्कुल मैटी फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरा ही मैटी फिनिश होने वाला है, कुछ इस तरह का पूरा डैशबोर्ड है। आ जाते हैं इधर, तो भाई यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है ये म्यूजिक सिस्टम होने वाला है पाइनर की तरफ से, जो कि भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत गजब का साउंड है पाइनर का। वहीं अगर बात करते हैं ये टच स्क्रीन होने वाला है, वो अभी आता है इसमें हमारा क्या बोलते हैं ब्लूटूथ ऑक्स रेडियो कैमरा वगैरह आप इसमें चला सकते हो, कैमरा आपको देखने को मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो मैंने आपको बताया था। तो और उसके साथ साथ कंट्रोल्स जो होने वाले हैं इसके सारे यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी स्टीयरिंग पर आपको कंट्रोल देखने को नहीं मिलते हैं। नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है टिकटॉक मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल है, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा और कोई भी चीज यहाँ आपको देखने को नहीं मिलती है। और उसके साथ साथ यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह का स्पेयर टू कप होल्डर, गियर नॉब डिसेंट से आपको देखने को मिल जाती है, डिसेंट से आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है, पीछे आपको एक बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं इधर की तो इधर आपको देखने को मिल जाता है ये ग्लव बॉक्स, जो कि ये भाई ये चीज देखो ये इसका रिमोट होने वाला है। चलो वहां के कुछ इस तरीके एसी विंड्स हैं, यहाँ की बात करते हैं कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको हैलोजन में आपको देखने को मिल जाता है केबल लैंप, ये आपको देखने को मिलता है माइक। उसके साथ साथ यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है, मैनुअली आपको आईआरबीएम देखने को मिलने वाला है, डे नाइट नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ क्या रह गया भाई, टोटली कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके रियर की तरफ, तो रियर में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, सबसे पहले बात करते हैं एसेसरी की जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, वो आगे आपको इसमें मिल जाती है मैट। उसके साथ साथ अगर पीछे की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं ये चीज़ें भाई, मड फ्लैप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। टोटल 32,500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है आपको अगर आप इस टाइम बुकिंग कराते हो गाड़ी को। आ जाते हैं डोर्स पे, तो डोर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये कुछ इस तरह का विंडो अप डाउन करने के लिए, ये डोर लीवर, डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, मतलब चार स्पीकर जो एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ करते हैं सीट्स की बात, तो सीट्स आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की। अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं तो एक दो डिसेंट्स आपको अंडर थाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके फिक्स आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अभी आगे की सीट्स मैंने थोड़ी सी बताना छोड़ दी थी, तो वहाँ पे अगर बात करते हैं कोई भी हाइट एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है, सीट बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। मैं अभी बैठा था आपको बता दिया मैंने, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं फ्रंट के दोनों। उसके साथ साथ यहाँ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, कुछ नहीं है, आपको दो ही फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, कंफर्टेबल बता देता हूँ, तो यहाँ पे बैठ के कुछ इस तरह का कंफर्टेबल होने वाला है। अंडर थाई सपोर्ट देख लो, उसके साथ साथ नी रूम लेग रूम देख लो कितना आने वाला है। उसके साथ साथ और क्या रह गया भाई, ओवरऑल कोई भी सेकेंडरी केबिन लैंप देखने को नहीं मिलता है। चलो ओवरऑल ये तो होगी कंप्लीट, यहाँ पे आपको सॉफ्ट होल्डिंग के साथ ग्रैप हैंडल देखने को मिल जाता है। चले रियर की तरफ, बूट की तरफ चलते हैं, बूट में बारे में बताता हूँ बूट में क्या क्या आपको देखने को और मिलने वाला है। तो यहाँ से कर सकते हैं इसको ओपन, उसके साथ साथ ये कुछ इस तरह का स्पेस होने वाला है, ये इसकी मैट वगैरह निकाल के रख रखी है। अगर स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो स्पेयर व्हील मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जो कि होने वाला है कहाँ गया भाई,
ब्रिजस्टोन की तरफ से होने वाला है, सेक्शन होने वाला है आपका 175/65/15, मतलब सेम साइज का आपको स्टील रिम देखने को मिल जाता है। हो जा भाई अंदर, एक सेकंड सामान आ गया इसमें, रुको इसको करते हैं इधर, इसको ऐसे, ये आ गया भाई। तो ओवरऑल ये तो होगी इधर की बात। अब मैं सीधी सी अगर आपको बात बताऊं तो ओवरऑल मैंने सारी बातें बताई, इंजन के बारे में बात करते हैं, इंजन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से इसको एक बार कर लेंगे ओपन और चलते हैं इंजन की तरफ। देखो भाइयों अगर वीडियो जरिए सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। इंजन की अगर बात करते हैं तो 1197 cc फोर सिलेंडर होने वाला है, जो कि प्रोड्यूस करता है 81 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर का सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, काफ़ी सारे आपको सेफ्टी फीचर, दो एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये होगी इंजन के बारे में बात। नीचे कोई भी आपको सपोर्टिंग देखने को नहीं मिलती है, ऊपर आपको डैम्पिंग ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये तो इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। और दोबारा मैं बताता हूँ कि ऑफर चल रहा है 32,500 रुपये की, एसेसरी जो है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ऑन रोड प्राइस में सिग्मा वेरिएंट में। अब अगर मैं टोटल एसेसरी की बात करूँ तो क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, देखो सबसे पहले है फॉग लैम्प, उसके बाद आ जाता है आपको साइड में व्हील कवर, साइड में ये गार्निश आपको देखने को मिल जाती है क्रोम। अगर रियर की बात करते हैं तो कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं मड फ्लैप, जो कि ये भी एसेसरी में आते हैं। उसके साथ साथ अंदर म्यूज़िक सिस्टम जो होने वाला है वो भी आपको एसेसरी में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये हैंडल पे आपको देखने को मिल जाती है, स्टीयरिंग पे लेदर रैपिंग, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है, और सबसे बड़ी बात सेंट्रल लॉकिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल वीडियो होगी ये खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही नई नई वीडियो को देखने के लिए। सेफ ड्राइव करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।